नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाइफ प्रोटेक में। दोस्तों, क्या है रेन इंडस्ट्रीज का अल्टरनेटिव न्यू प्लान, आई से सुपर प्लान, लेकिन इसकी जरूरत रेन को क्यों पड़ी? लेकिन इस पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट का लास्ट जजमेंट, फिर रेन का न्यू अल्टरनेटिव प्लान, क्या है रेन की नई पेटेंटेड प्रोडक्ट्स, क्या बदलाव आने वाला है कल्साइनिंग इंडस्ट्रीज में, मूडीज ने अपना रेन का रेटिंग जो डाउनग्रेड करने वाला था उसे क्यों रोका, और कंपेयर करेंगे इसके बॉन्ड प्राइस और शेयर प्राइस के रिलेशनशिप को। तो आज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा सपोर्ट है। नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। दोस्तों, रेन को अल्टरनेटिव प्लान की जरूरत क्यों हुई और ये क्या है ये अल्टरनेटिव प्लान, ये जानने से पहले जरूरी है ये जानना कि इस मंथ 13 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था वो क्या था। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि अगर आपने मेरा इस टॉपिक पे मेरा पुराना वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पे आप जाके उसे देख लें, इससे आपको आज का ये वीडियो समझने में आसानी होगा। 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में वही हुआ जो उम्मीद था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एग्जैक्टली वही किया जो ईपीसीए ने अपने रिपोर्ट में सजेस्ट किया था, और रेन को अपने न्यू सीपीसी प्लांट के लिए जीपीसी के इंपोर्ट कोटा में सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला, और दूसरी कंपनियों को थोड़ा टाइम मिला है एफजीडी सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए। एफजीडी इक्विपमेंट जो कि सीपीसी कंसाइनिंग में 90% तक सल्फर जनरेशन को कम करता है और ये पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट को 6 मंथ में न्यू पॉल्यूशन रूल फ्रेम करने को कहा है, उसके बाद सभी कंपनियों को 1 साल का समय दिया जाएगा एफजीडी सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, और जो कंपनी ऐसा नहीं करते हैं वो जीपीसी इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे प्रॉब्ली फ्रॉम अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स। रेन इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट को पहले से ही डाउट था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उनके फेवर में शायद नहीं होगा, और इसलिए वे 6 मंथ पहले से ही अल्टरनेटिव प्लान पर काम करना स्टार्ट कर दिया था, और उन्होंने रॉ मटेरियल के शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए एक अल्टरनेटिव प्लान बनाया। और जैसा कि आप जानते होंगे कि जीपीसी 1.4 मिलियन टन से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना एक दूसरा स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स एसीपी जिसका एचएस कोड अलग है उसे इंपोर्ट किया जाए। रेन इसके लिए अपने यूएसए का प्लांट यूज करेगी जो कि लास्ट ईयर से बंद पड़ा है, वहाँ पर रेन लो कॉस्ट जीपीसी से एसीपी बनाएगी और उसे यूएसए से इंडिया न्यू एचएस कोड के तहत इंपोर्ट करेगी, और उस एसीपी और इंडियन जीपीसी को यूज करके सीसीपी बनाएगी। सीसीपी मींस कैल्सिनाइट कार्बन पैलेट्स। वह क्या रास्ता निकाला है रेन ने। व्हाट इज एसीपी एंड सीसीपी? ये जो प्रोडक्ट है एसीपी एंड सीसीपी, ये रेन का अपना पेटेंटेड प्रोडक्ट है। इस पर रेन काफ़ी समय से काम कर रही थी। एक्चुअली रेन बहुत पहले से इस प्रोडक्ट को प्लान कर रही थी। उन्हें बहुत पहले से लग रहा था कि शायद फ्यूचर में गुड क्वालिटी जीपीसी का ह्यूज शॉर्टेज हो सकता है, इसलिए वो ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते थे जिससे कि लो क्वालिटी जीपीसी को एनोड ग्रेड सीपीसी में कन्वर्ट कर सकें। अभी तक वो सीसीपी को लार्ज स्केल पर मार्केटिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब उनके पास कोई चॉइस है ही नहीं जिससे कि वो अपने न्यू सीपीसी प्लांट बिना जीपीसी के स्टार्ट कर पाए। रेन का कहना है कि सीसीपी इज बेटर देन सीपीसी और एल्युमिनियम स्मेल्टर विल सेव टाइम एंड मनी बाय यूजिंग दिस इन द प्लेस ऑफ सीपीसी। अब सवाल ये उठता है कि सीसीपी विल इंक्रीज मार्जिन। पहली बात तो ये कि एल्युमिनियम स्मेल्टर को सीसीपी एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जब भी किसी एग्जिस्टिंग प्रोसेस में कोई नया चेंजेज आता है तो उसमें ह्यूज टेस्टिंग की जरूरत होती है और उसमें कोई नया एडवांटेज भी दिखना चाहिए, तो रेन को इससे सेल करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा। रेन को फर्स्ट बेनिफिट ये होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जीपीसी इंपोर्ट पर, उससे कुछ राहत मिलेगा क्योंकि ये थोड़ा अलग प्रोडक्ट है, लेकिन इससे प्लांट को 50% या उससे ज़्यादा कैपेसिटी पर ऑपरेशनल बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इससे मार्जिन बढ़ाने में शायद 2-3 साल और लग सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो स्मॉलर सीपीसी प्रोड्यूसर हैं क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? तो देखिए इसमें क्या सिनेरियो होता है। फर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को 6 मंथ का टाइम दिया है न्यू इमिशन नॉर्म्स फ्रेम करने के लिए। जैसा कि पीसीए ने अपने रिपोर्ट में कहा है, सुप्रीम कोर्ट मे बी
1 ईयर का टाइम कैल्साइनर कंपनी को दे FGD सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए दे सकता है। ऐसे में क्या हो सकता है, बहुत सारे कैल्साइनर कंपनियां जो बहुत कम प्रॉफिट या लॉस में काम कर रही है उनके लिए FGD सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए जो फाइनेंस की जरूरत होगी उसके लिए उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैं यहाँ कुछ कैल्साइनर का एनुअल CPC प्रोडक्शन कैपेसिटी दिखा रहा हूँ। ZNCI या कार्बन बेजाक का जो CPC प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 600,000 टन पर एनम। गोवा कार्बन का कैपेसिटी है 2.4 लाख टन। सनवीरा इंडस्ट्रीज का है 2 लाख टन। पेट्रो कार्बन एंड केमिकल 95,000 जो कि लेस देन 1 लाख टन है। न्यू कार्बन का 75,000, इंडिया कार्बन का 54,000, अमृतेश इंडस्ट्रीज का 24,000, कलिंगा कैल्साइनर का 46,200, बेडिक पेट्रोकेमिकल का 18,000। कहने का मतलब ये कि बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं जिनका प्रोडक्शन कम है और उनके लिए FGD सिस्टम लगाना आसान नहीं होगा। अगर आप इस फील्ड के सेकंड प्लेयर गोवा कार्बन को देखें तो वहां लास्ट 4 क्वार्टर में 20 करोड़ का लॉस हुआ है। गोवा कार्बन के 3 प्लांट हैं, गोवा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, और उनको सभी प्लांट में FGD सिस्टम लगाना होगा। अगर एक FGD सिस्टम इंस्टॉल करने का कॉस्ट अराउंड 10 करोड़ होता है तो 3 FGD सिस्टम इंस्टॉल करने में 30 करोड़ का एक्स्ट्रा डेट होगा। उस पर अराउंड से 2 से 3 करोड़ पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा और उसके प्रोडक्शन भी डिस्टर्ब होगा क्योंकि FGD सिस्टम लगाने में एटलीस्ट 1.5 साल का वक्त तो लगेगा ही। तो बताइए कि आने वाले साल में इनके प्रॉफिट पर कितना इम्पैक्ट आएगा। इसके बाद जो 3rd नंबर की कंपनी है सनवीरा इंडस्ट्रीज, वो एक नया प्लेयर है और वो अपने कैपेसिटी को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है और वे 20 करोड़ FGD सिस्टम पर खर्च करने का प्लान कर रही है, वो भी सिर्फ एक लोकेशन पे। अगर आप लिस्ट को देखें तो मुझे लगता है कि गोवा कार्बन और सनवीरा इंडस्ट्रीज जो कि एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है वो तो सर्वाइव कर जाएंगे FGD सिस्टम को लगाकर, लेकिन उन कंपनियों का क्या होगा जिनका कैपेसिटी 1 लाख टन पर ईयर से कम प्रोडक्शन है। तो क्या होगा, लगभग 20 छोटे कंपनियों का या तो बंद हो जाएंगे या फिर उन्हें गोवा कार्बन, सनवीरा या रेन इंडस्ट्रीज खरीद लेगी। अब दूसरे सिनेरियो को देखते हैं। एल्युमिनियम कंपनीज अपने एसोसिएशन के थ्रू पॉल्यूशन लेवल यानी जो सल्फर कंटेंट है इसके लेवल को अमेंडमेंट करा चुकी है और वे लो क्वालिटी CPC को वेरी लो प्राइस पे खरीद रही है। कई स्मॉल कंसाइनर IUCL से हाई प्राइस पे GPC खरीदने को मजबूर हैं। अब स्मॉल कंसाइनर हाई कॉस्ट पर लोकल GPC खरीद कर लेस प्राइस पे CPC को सेल कर सर्वाइव नहीं कर सकती है। यू कैन रेफर टू पेटिशन बाय गुवाहाटी कार्बन एंड अदर्स इन सुप्रीम कोर्ट फॉर द सेम। सुप्रीम कोर्ट हैज डिसमिस्ड देयर केसेस विदाउट एनी रिलीफ। गुवाहाटी कार्बन ने कहा था कि उनको लॉस हो रहा है और वे CPC एल्युमिनियम कंपनियों को सेल नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव नहीं कर सकते। रेन इज टू लार्ज एंड इट मैनेज रॉ मटेरियल फ्रॉम मेनी पार्ट इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग ब्राजील, अर्जेंटीना, चाइना, इंडिया एंड USA। जेन हाई प्राइस पर GPC IUCL से खरीद कर उसे लो प्राइस इम्पोर्टेड ACP के साथ मिक्स कर जितना CCP और CPC चाहिए उतना प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब जेन अभी भी कॉस्ट एवरेज कर सकती है और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकती है, जबकि स्मॉल कंसाइनर बिल मेक हाउ द फ्यूचर लुक्स। अब जेन की रणनीति क्या होगी, जेन अपने न्यू बेजाक प्लांट को सिर्फ ACP पर नहीं चला सकती, उन्हें अच्छे ग्रेड की GPC चाहिए होगा, इसलिए वो IUCL से GPC हाईर प्राइस पर खरीदने को तैयार है जो कि स्मॉल कंपनियां नहीं पे कर सकती। मतलब ये कि दोनों सिनेरियो में इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट अ स्मॉल प्लेयर्स एंड रिमेंबर नॉट मेनी विल बी एबल टू सेल देयर प्लांट। सभी लोग अपने प्लांट को सेल भी नहीं कर पाएंगे। बिग प्लेयर लाइक रेन डोंट वॉन्ट टू इंक्रीज देयर ऑपरेशन कॉस्ट बाई हैविंग अ स्मॉल ओल्ड एंड इनसफिशियंट प्लांट इन डिफरेंट लोकेशन वेयर दे हैव टू इंस्टॉल FGD सिस्टम। जेन नहीं चाहेगी कि वो अलग अलग लोकेशन पे छोटे कंपनियों को खरीदे क्योंकि अलग अलग जगह पे FGD सिस्टम लगाना उनके लिए भी कॉस्टली हो सकता है और एक बार जब ये स्मॉल कंसाइनर कंपनियां बंद हो जाएगी तब जेन का इम्पोर्ट कोटा अपने आप इंक्रीज हो जाएगी और फिर IUCL से चीपर GPC भी खरीद पाएगी। चलिए अब देखते हैं कि जो कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ है इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। जेन का सीमेंट और बिजाक CPC प्लांट इंडिया में है इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स कट का बेनिफिट इसके इंडिया ऑपरेशन को भी मिलेगा, लेकिन इसका मेजर प्रॉफिट USA और यूरोप ऑपरेशन से होता है। फिर भी मेरा मानना है कि कम से कम 20 करोड़ एवरी ईयर टैक्स में सेविंग तो होगा ही। अब नेक्स्ट पॉइंट है मोडीज रिव्यू फॉर बॉन्ड डाउनग्रेड। कुछ दिन पहले मोडीज
जो कि जेन कार्बन के बॉन्ड रेटिंग को डाउनग्रेड करने वाला था, उसे अभी अंडर रिव्यू में डाल दिया है। जेन का जो लास्ट 4 quarters में प्रॉफिट कम हुआ है, जब से जेन ने GPC इंपोर्ट पर बैन लगाया था, उसको देखते हुए मूडीज अपने रेटिंग को रिव्यू कर रहा है। आपको बता दें कि अब तक उनका ईयर 2017 से जेन बॉन्ड पे गुड रेटिंग दिया हुआ था, जो कि अभी डाउनग्रेड करने वाला था, लेकिन अभी उन्होंने अपने रिव्यू को टाल दिया है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 13 सितंबर को, उसके बाद जेन मैनेजमेंट ने अपने अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ACP के बारे में मूडीज को अपडेट कर दिया है और उनको कन्विंस भी कर दिया है, इसलिए मूडीज कुछ और क्वार्टर्स वेट करने को तैयार हो गया है। और अगर मोदी रेटिंग को शॉर्ट टर्म में डाउनग्रेड भी करता है, तब भी रेन के ऊपर कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि रेन अभी कोई फ्रेश लोन अगले 2-3 साल तक नहीं लेने वाला है। मतलब ये कि अभी उनका डेट इंक्रीज नहीं होगा। चलिए अब इसके बॉन्ड प्राइस और शेयर प्राइस को कंपेयर करते हैं। रेन हैज हाफ द डेट इन द फॉर्म ऑफ सीनियर सिक्योर्ड नोट्स विद फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। दीज बॉन्ड्स आर ट्रेडेड ऑन द फॉरेन एक्सचेंजेस। बहुत सारे इंटरनेशनल फंड हाउसेस यूरोप और USA में इसमें इन्वेस्टेड हैं, और इनकी जो फंड मैनेजर हैं उनके पास बहुत ही सॉलिड रिसर्च टीम है जो इन कंपनियों को एनालाइज करते हैं। और इसके बावजूद बॉन्ड्स 2019 के सबसे हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड हो रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब साफ है कि ये जो फॉरेन फंड हाउसेस है, इतना कुछ होने के बाद भी उनको शायद आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। जर्मनी में इनका जो रेजिन फैसिलिटी है, वहाँ एडवांस केमिकल सेगमेंट में मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। CPC प्राइस आल्सो स्टेबलाइजिंग एंड GPC प्राइस फॉलिंग अ फर्दर एंड मार्जिन एक्सपेंशन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल द प्रोडक्ट्स। बहुत से केसेस में शेयर प्राइस बॉन्ड प्राइसेस को फॉलो करते हैं। यहाँ आप 2019 का जेन बॉन्ड्स और शेयर प्राइस चार्ट देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह शेयर प्राइस बॉन्ड मूवमेंट को फॉलो कर रहा है। मतलब ये कि आगे पॉजिटिव पैटर्न आप देख सकते हैं इसके शेयर प्राइस। तो दोस्तों, ये था रेन इंडस्ट्रीज के ऊपर जो करंट सिनेरियो है उसके ऊपर मेरा एनालिसिस। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, और आगे भी इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल बटन को भी हिट कीजिए, जिससे कि हमें आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा सपोर्ट है। नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए।